तो हेलो फ्रेंड, कैसे बड़े होंगे लिखा चुको लोगों नई वीडियो अपने मोस्टर टैंक के ऊपर। भाई टैंक ऑलवेज कंप्लीट है अपना, सब कुछ ओके है भाई, बस ओनली सम फिल्टर काम नहीं कर रहा है इसका। सम फिल्टर की मोटर मैंने कनेस्टर फिल्टर में लगा दिया, देख लो एक बारी कनेस्टर फिल्टर अपना वर्क कर रहा है। कनेस्टर फिल्टर के ऊपर एक क्वालिटी देख लो एक बारी पानी की जो क्वालिटी है, और देखो अपनी जॉइंट ग्रामी कैसे खेल रही है अपने साथ। तो भाई टैंक के चक्कर में मैं कुछ और भूल गया था, जो अपने पास है पिराना पाको उसके बारे में बिल्कुल भूल गया था, उनको फीड दे रहा था मैं। तो भाई आज आया मैं और मैंने देखा भाई बहुत मतलब उनके यहाँ जो टैंक की कंडीशन है बहुत बुरी हो रखी है। एल्गी जमी पड़ी पूरे में, क्योंकि लाइट में चालू चालू छोड़ देता था उसकी, और बस खाना खाना डाला उनको और भूल गया भाई। तो खाना देते देते मैंने ध्यान देना भूल गया कि उनके लिए वो स्पेस थोड़ा छोटा था भाई, वो बहुत ज्यादा मतलब बड़ी हो रखी इस टाइम पे, और वो एक दूसरे को ना मार रही है मतलब बहुत ज्यादा। एक के तो डैमेज कर दिया, मैं भी निकालूंगा दिखाऊंगा। तो भाई मैंने ना बहुत सोच समझ के फैसला लिया है कि मैं पाको को इसके अंदर शिफ्ट करूंगा भाई, अपने मोस्टर टैंक के अंदर भाई, और उसको क्लीन करूंगा पूरे टैंक को। उसमें चन्ना वगैरह छोटे छोटे जो मैंने मंगवा रखी थी उसमें वो डालूंगा, ठीक है। और एक से 2 दिन में मैं एलिगेटर कार को भी ऊपर शिफ्ट कर दूंगा भाई, उसकी वीडियो आपको पूरी प्रॉपर मिल जाएगी। रुकिए एक मिनट, अंदर मैं शिफ्ट करूंगा, चलो दिया, और उसके अंदर शिफ्ट करूंगा मैं अपने एलिगेटर गार, जो कि भाई बहुत हैरान हो चुका है इस टाइम पे, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है इसने मेरी अरवाना पर अटैक करा। और भाई मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, अरवाना बहुत मुश्किल से मेरे टैंक के अंदर सेट हुई थी, वरना मेरी एक अरवाना पहले ही मर गई 2 फीट की। तो उसका मुझे बहुत अफसोस है, आज तक अफसोस है भाई, बताओ मैं जाहिर नहीं कर सकता कि मेरे को कितना अफसोस उस चीज का। तो इसलिए मैं इसको भाई एलिगेटर गार को उसके अंदर नहीं रखूंगा। एलिगेटर गार ने ये देखो इसके निशान, देखो इस पे एक बार शेवनोस कैट इस पे भी अटैक कर रखा है, इस पे बहुत बुरी तरीके से। और भाई और अपना जो चन्ना है वो उस पर भी अटैक कर रखा है। तो एलिगेटर गार अब बड़ा हो गया, पहले छोटा था तो अब अटैक करने लगा। जब ये चीजें अटैक करने लगती हैं भाई, तो इनको मैं अलग शिफ्ट कर देता हूँ, क्योंकि भाई मेरे को आगे के लिए भी देखना है कि भाई किसी की जान ना जाए। और फटाफट से पहले मैं इसमें पाको लेकर आता हूँ और उस टैंक को क्लीन करते हैं भाई, और उसके बाद एलिगेटर गार उसके अंदर छोड़ दे, दोनों के दोनों को, फ्लोरिडा गार को भी और एलिगेटर गार को भी, दोनों को उसके अंदर छोड़ेंगे जब तक इनका ऊपर कंप्लीटली सेटअप नहीं हो जाता है, ठीक है भाई। ये देख लो पाको का टैंक कितना गंदा हाल तो रखी इसकी, बहुत गंदी। और इसके अंदर भाई मैंने दो, ये देख लो भाई, दो मैंने देसी सोलिफिस भी बोल सकते हैं इसको, स्नेक हेड भी बोल सकते हैं, मैंने ऐड कर रखी है काफी टाइम से थी इसके अंदर ये, तो अभी काफी बड़ी भी हो गई है, तो मैं सोच रहा हूँ इनको भी उसी में शिफ्ट कर देता हूँ, एडजस्ट कर लेंगे। ये देखो भाई इसका पानी बिल्कुल कम हो जाता है, और ये देखो इसकी हालत इतनी गंदी है, अभी सांस भी नहीं ले पा रही सही से, जो कि बहुत इनके लिए छोटा पड़ रहा है। तो मैं इनको भाई, मैं कोई किसी की बद्दुआ नहीं लेना चाहूंगा, तो इनको फटाफट से मैं एक करके उसमें शिफ्ट करता हूँ फटाफट से, देख लो भाई। उसके बाद टैंक क्लीन करते हैं और इसके अंदर लाते हैं अपने दोनों मॉन्स्टर। भाई अब बारी है अपनी, देखो कितने सारे जख्म दे रखे हैं, मैं भी वीडियो में निकाल के दिखाऊंगा, इसको निकालूंगा जब दिखाऊंगा आपको, देखना आपस में लड़ लड़ के इसकी मदद से निकालूंगा। देखो भाई छक्का मैंने बनाया था, जो कि देखो अब ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि बहुत जल्दी भागती है आगे की तरफ ये। तो मैं एक बार फटाफट से निकालता हूँ, एक फिश निकालता हूँ पहले, ठीक है ये वाली निकाल लेता हूँ, थोड़ी तेज है। और बाप रे बाप, पूरा गीला कर देती है भाई, ये बहुत शैतान है, बहुत ज्यादा इन्होंने मेरा बुरा हाल कर दिया। देखो भाई साइज देखो इसका, बहुत ज्यादा बड़ा साइज है ये, बहुत बड़ा साइज है, देख लो भाई यार, एक बार मेरे फेस की तरफ देख लो इसने क्या हाल कर दिया मेरा। फटाफट से इसको रिलीज करते हैं भाई टैंक के अंदर, ये देखो भाई अपने मॉन्स्टर टैंक के अंदर जाएगी अपने मॉन्स्टर फिश, बहुत बड़ा साइज हो रखा है भाई इसका, ये देखो ये निकली हो। असल में शान है मॉन्स्टर टैंक की अपनी, पाको बहुत मतलब बहुत पुरानी फिश है मेरी, छोटी सी लेकर आया था मैं, तो ये अपने मॉन्स्टर टैंक की शान है भाई। मैं सोचता हूँ कि उसके इसी के अंदर रखूँ, बट लेकिन मेरे को हटाना पड़ा, क्योंकि ये फिन कतरती है बहुत ज्यादा फिशेज के मेरी, इसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया था अपने जो अपना वो है मॉन्स्टर एलिगेटर गार के फिन पूरे कतर दिए थे, इस वजह से इसको मेरे को हटाना पड़ता। और ये देख लो भाई मेरी हालत क्या कर दी है, पूरा पानी पानी कर दिया, थोड़ा सा पानी पहले का, और इसने मेरा मुंह धो दिया भाई बहुत गंदी तरीके से। और इसने पूरा अटैक कर रखा दूसरी वाली को, मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको उसका क्या हाल कर रखा है इसने, फटाफट से निकालता हूँ उसको। ये रे देखो भाई बहुत बुरी कंडीशन है इसकी, और भाई सीरियसली एक तरफ से तो पूरा खा रखा है ऐसा लग रहा है मेरे को। और मैं इसको फटाफट से निकाल लेता हूँ इसमें से, बहुत मतलब ये सही छपका मैंने बना लिया ये नेट, अदरवाइज ये हाथ ही नहीं आने वाली थी, बहुत मुश्किल थी इनको पकड़ना, समझ लो कि ये तो बड़ा है, इसलिए देखो ये देखो ये देखो भाई बड़ा नेट है, इस वजह से फंस भी जाती है, अदरवाइज इसको फंसाना बहुत ही मुश्किल है, मुश्किल नहीं क्या नामुमकिन मुसा मान लो इनको फंसाना इसके अंदर नेट के, पॉसिबल ही नहीं भाई, बहुत मुश्किल है। ये कहाँ गई कहाँ गई कहाँ गई, ये रही, आ जा भाई आ जा, ये आ गई यहीं पे आ गई, ये थोड़ा सा परेशान करेगी मेरे को ये, और लेकिन कितनी देर कर लेगी परेशान। ये देखो एक बार पास से दिखाइए भाई कैमरामैन, इसके जख्म दिख रहे हैं ये लड़ने से हुए आपस में भाई इनके, ये वायर निकल गई लाइट की, कोई बात नहीं लाइट की जरूरत भी नहीं मेरे को। और ये भाई आ जा यार, क्यों पिलसा रही है मुझे, अभी लाइट की जरूरत पड़ेगी क्योंकि दिख नहीं रही है मेरे को, पहले इसमें ऑलरेडी इतनी एलगी जमी हुई है वैसे नहीं दिख रही, ऊपर से ये और हो गया सीन,
सियाप्पा लाइट का कहाँ गई अपनी मोस्टर फिश, कहाँ हो आप, कहाँ पे हो आप मैडम, अरे रे आ जाओ ना, क्यों नखरे कर रही है इतने, चलो 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 आगे जाओ, आगे बैठे हम आपकी बाट में, रोक दे बहन जो बोतल। आ जा भाई कैमरा मैन, आ गया इन लोगों ने, इन फिशेस ने दोनों ने मेरी बहुत हैवी है भाई, बहुत ज्यादा, ये देख लो भाई पूरा इसने, देखो जख्म देख लो इसके, जख्म इसके फिन कतर दिए, ये पूरी लेयर जख्म किए, ये दूसरी पाको ना करिए इसके बहुत ज्यादा, ये देखो ये फेस पे, देखो फेस पे इसके एक बार, इसी को मैंने देखा भाई, नोट करा और मैंने सोचा कि इसको बेचारी को भी फटाफट से अपने मोस्टर टैंक में रिलीज कर दें, क्योंकि इसमें स्पेस नहीं है तो लड़ाई होती है आपस में, इनमें स्पेस वाली जगह रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखो भाई बहुत ज्यादा इसके जगह में, मैं एक बार लाइट बंद करके दिखाता हूँ आपको भाई, जो मेन लाइट है लाइट बंद हो जाएगी तो सब कुछ दिखेगा। देख लो अपनी फिशेस को घूमने का स्पेस मिल गया इनको, दोनों पिराना को, पाको को अपनी पिराना नस्ल की होती है, और ये देखो भाई पूरी असलदल हो गई अपने टैंक के अंदर, अब ये घूम रही है तो बहुत अच्छी लग रही चारों तरफ सारी फिशेस, वरना पहले क्या था ये आगे आगे रहती थी तो लोगों को लगता था भाई ओवर क्राउड हो रखा है, बट लेकिन पीछे बहुत ज्यादा स्पेस है तो पीछे घूमती नहीं है तो इस वजह से दिखता नहीं है पीछे का। ये देखो एक बार, ये देख लो भाई अपना एलिगेटर कार, फ्लोरिडा कार बोलते इसको, और ये अपना मोस्टर एलिगेटर कार, इसको अब फटाफट से उसमें शिफ्ट करेंगे हम कुछ दिनों के लिए, जब तक ऊपर इनका सेटअप नहीं बन जाता, और भाई ये जो अपनी दो फिश है उसके अंदर वो भी हम इसी के अंदर छोड़ेंगे, लेकिन पहले उनको इसमें एलिगेटर कार को निकाल दे इसमें से, वरना एलिगेटर कार एक मिनट में उन पर अटैक करेगा और खा जाएगा उनको, तो फटाफट से उसकी सफाई कर देता हूँ। मैंने पाइप लगा दिया भाई, मोटर लगा दी पानी निकालने के लिए इसका सारा टैंक का, अपने 5 फीट वाले का, लेकिन उससे पहले भाई इसको जूने से अंदर से क्लीन करूंगा पूरा, जितना भी गंदे सारा पानी के अंदर डस्ट में मिल जाएगा पानी में, तो उसके बाद हम ये सारा पानी निकाल देंगे, तो फटाफट से क्लीनिंग करता हूँ। आ जा भाई कैमरा मैन, ये देख लो भाई एलगी, देखो कितनी एलगी लगी हुई है यहाँ पर, पूरी एलगी लगी पड़ी है, यानी कि इस पे मतलब मेरा आधा घंटा खराब होना है इसको साफ करने में फटाफट से, तो मैं इसको एलगी साफ करता हूँ अंदर से और दिखा दो। फाइल करते करते भाई मैं थक गया था, थोड़ा रेस्ट ले लूँ सोचा, और यहाँ पे देखा मैंने, देखो बटर कुफेरी का कलर देखो कितना प्यारा हो रहा है, इस टाइम पे फुल ऑन ब्लैक हो रखी है, इससे पीछे वाली जो ये तो वाइट हो रखी है, ये फुल ऑन ब्लैक हो रखी है, उसके फिन देखो कितने प्यारे लग रहे हैं, ब्लू कलर की शेड ले रहे हैं भाई, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, और मैं कहता हूँ बटर कुफरी से अच्छी ना मेरे को कोई फिश लगती नहीं भाई, इसी यही चीज़ बटर कुफरी की मेरे को बहुत प्यारी लगती है, इसका कलर बदलना, ये देखो एकदम जेड ब्लैक हो रखी है भाई, बहुत ज़्यादा मतलब इन्हेंस लग रही है, देखो कितनी खूबसूरत है भाई, ब्लैक एकदम जेड ब्लैक हो रखी है इस टाइम पर बटर कुफरी, और जब से दोनों अपनी पिराना इसके अंदर आई है पाको फिश, तब से पूरे टैंक में हलचल है, और सारी फिशेज घूम फिर रही है पहले की तरह, आलसी कोई भी नहीं है भाई, बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को देख के ये चीज़, और ये देखो अपने कुछ देर के मेहमान है इसके अंदर, मैं इसमें सब भी शिफ्ट करूंगा क्योंकि इसने मेरी आंखों के आगे अरवाना पर अटैक करा है, और मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा तो कोई मेरी अरवाना को देखे इस गंदी नजरों से अपनी, वो भी खाने की नजरों से, तो फटाफट से टैंक अभी दिनेश साफ कर रहा है और इसको पहुंचाते हैं उसके अंदर, तो पाको मैंने शिफ्ट कर दी भाई टैंक के अंदर, और फटाफट से निकालते हैं इसके अंदर से एलिगेटर गार्ड, जो उसमें अपने को शिफ्ट करना है, ठीक है एलिगेटर गार्ड निकालना बहुत जरूरी है, उसने मेरे सामने 2 बार अटैक कर चुका है, और साइज देखो एलिगेटर गार्ड का बहुत बड़ा हो चुका है इस टाइम पे, तो अभी इमरजेंसी में उसमें इसको शिफ्ट करो अपने बड़े वाले टैंक के अंदर 5 फुट वाले के अंदर, क्योंकि ये भाई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, ये देखो इसमें आ भी नहीं रहा इतना बड़ा हो रहा है एलिगेटर कार, बट मैंने इसको थोड़ा ये निकल गया भाई, देखो निकल गया इसके अंदर से छपके के नेट के अंदर से निकल चुका है, दोबारा निकालता हूँ इसको, दोबारा पकड़ता हूँ भाई ना, एक सेकंड, तो भाई इसने नेट फाड़ दिया हल्का सा एलिगेटर ने अपने, अब मैं इसको इधर तो पहले प्यार से जाएगा ये, इसने बहुत, अरे तू क्यों आ रही है इसके अंदर भाई, तेरा काम नहीं है इसके अंदर, तोड़ देगी लग रहा है सारी चीजें को तोड़ेगी ये, इससे मेरे को बहुत तैयार पाको ना प्रॉब्लम ज्यादा करती है, आ जा भाई आ जा आ जा प्यार से आ जा प्यार से आ जा, ये भाई ये आना ही नहीं चाहता है, देखो 2 बार निकल चुका है इससे, लेकिन मैं इसको निकाल के रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये भाई ये नहीं निकलेगा भाई, मना कर रहा है ये भाई, मैं आज नहीं जाऊंगा इसमें से, बिल्कुल मना कर रहा है, हालत देख लो कैसी कर दी इसने, और इसके इरादे कुछ नहीं निकलने के भाई, तो मेरे को क्या कुछ और अरेंजमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि इसके अंदर से तो कूद रहा है बार बार ये, एक बार और ट्राई करते हैं दोबारा से, ये बड़ा हो गया ना काफी, 2 फीट तक तो होने वाला है, 20-22 इंची का तो हो चुका है ऑलरेडी, बड़ा हो गया ना तो छपका इसके लिए छोटा पड़ रहा है, अब निकल के
परेशान कर दिया इसने मेरे को। थोड़ी देर इसको हिल हिलाने दो इसके अंदर, हिल हिला इसके अंदर, हिल हिला कितना हिल हिलाएगा, फटाफट से इसको निकाल लो इसके अंदर। ये आ गया भाई, आ जाए इधर से दिखा रहे कैमरा मैन। ये गया, छोड़ दिया भाई इसके अंदर मैंने इसको। इसके अंदर सही है, सिंगल रहेगा तब इसको अकल आएगी। एक बार दिखा देता हूँ सामने से, देखो भाई अपना एलिगेटर का, और इसके अंदर अपनी सोली फिश भी है, इस पर अटैक ना करे, देसी है। मैं इसको फटाफट से निकाल के अपने टैंक के अंदर छोड़ देता हूँ, मैं भूल गया था इसको निकालना। ये देखो एलिगेटर गार आ गया इसके अंदर। तो आपने देखा होगा ना भाई मैंने कैसे शिफ्ट करा इसको, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है शिफ्ट करने में, और अब साइज बहुत ज्यादा बड़ा होता है इसका, तो मेरे को इसमें से निकालने में भी ज्यादा दिक्कत होगी। अब जब मैं ऊपर शिफ्ट करूँ इसको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा, ठीक है बाकी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दो चार दिन के अंदर इसको ऊपर शिफ्ट कर देंगे, इसमें अपनी स्नेक हेड वगैरह बहुत सारी फिशेज हैं वो ला कर रखेंगे भाई, और इसके अंदर भी मैं बहुत एक्सोटिक चीजें लेकर आने वाला हूँ जल्दी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना भाई। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर।